देख रहे हैं सांझ न्यूज और मैं हूँ जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। वजीर आजम का एक रोजा दौरा लाहौर, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात, सूबाई काबीना की कारगर्दगी पर गुफ्तगू, तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया, इमरान खान सिख कम्युनिटी कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। कराची में आज भी बादल बरस पड़े, सदर और लांडी समेत मुतअद्दिद इलाकों में तेज बारिश, सड़कें तालाब बन गई, कुरंगी कॉजवे सड़क पानी में डूब गई, कई इलाकों में बिजली की भी आंख मचोली जारी। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजाम, पंजाब के 8 इजला को हसास तरीन करार दे दिया गया, सिविल सेक्रेटेरिएट में मॉनिटरिंग सेल कायम, 2 हेलीकॉप्टर लाहौर, 1 रावलपिंडी और 1 से मुल्तान में फजाई निगरानी होगी। पीसीबी के इंटरव्यूज खत्म, हेड कोच के लिए मिसबाह उल हक मजबूत उम्मीदवार, वकार यूनुस को बॉलिंग कोच के लिए सिलेक्ट किए जाने का इम्कान, हतमी ऐलान रवा हफ्ते किया जाएगा। रोशनियों के शहर की तरक्की का मिशन, विफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर, वजीर आला गवर्नर सिंध और विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का जेल का दौरा, K4 प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया। दुनिया भर में कश्मीरियों से सारे यकजहती, मकबूजा आबादी में मजालिम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के शहर बर्थ में एहतजाज किया गया, बच्चों खातिन समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत, आजादी के नारों से फिजा गूंज उठी। खतरनाक समुद्री तूफान डोरियान बहामास से टकरा गया, 285 किलोमीटर रफ्तार की हवा, हर तरफ तबाही मच गई, तूफान 24 घंटों में फ्लोरिडा से टकराएगा, 4 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, लोगों की नकल मकानी है। मुल्की मैशियत रेड जोन में दाखिल हो गई, हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं, एक साल में बजट खसारा 8.9% तक पहुंच गया, हुकूमती पॉलिसियों से मैशियत की रफ्तार सुस्त हुई, पाकिस्तान की तरक्की इस वक्त सिफर पर खड़ी है, लीग रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकबूजा वादी में बदतरीन मुजालिम, कर्फ्यू के एक एक लम्हे में पाकिस्तानी मजलूमों के साथ आलमी जमीर झिंझोड़ने के लिए इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव के करीब कर्फ्यू क्लॉक नस्ब कर दिया गया। यमन के हिरासती मरकज पर सऊदी इतिहाद की बमबारी, 100 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी, सिर्फ मिजाइल डिपू को निशाना बनाया गया, इतिहादी फोर्सेज इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हलाकतों पर तशवीश का इजहार। इमरान खान की नाकामियों की फहरिस्त बहुत लंबी, एक भी वादा वफा न हुआ, हुकूमत से एनआरओ मांग कौन रहा है, पीपी रहनुमा असफा भुट्टो का सवाल, खुर्शीद शाह बोले खाद महंगी करके जरात बंद कर दी है, इंडस्ट्री तबाह हो रही है, दुकानें बंद हो गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज वीडियो स्कैंडल केस की समाअत, तहकीकाती रिपोर्ट पेश, मुलजिम नासिर जजवा खुरम यूसुफ की जमानत कवलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, FIA हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। मॉनसून हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती हिस्सों में दाखिल, लाहौर रावलपिंडी गुजरावाला बहावलपुर डीजी खान में सुरमई बादलों का राज, अंदरून सिंध में बारिशें, जुमेरात तक बारान रहमत का इम्कान। पैसे दो अबू लो, वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ऑपोजिशन को ऑफर, कहा ऑपोजिशन का फोकस नवाज शरीफ और जरदारी को छोड़ दो पर है, हिजब इख्तलाफ जाती सियासत छोड़कर अवामी इश्यूज पर बात करे। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sanjhnews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।